दोस्तों नमस्कार, आप लोग सब कैसे हो? देखो, हम लोग सिटी लाइफ हम बेचते हैं ज़रूर। देखो, सिटी लाइफ हम बेचते हैं, लोडर खड़ी है, ये सवारी खड़ी है, पीछे ये भी MS खड़ी है। ये लोडर 4.5x6 का है, बहुत जमदार लोडर है। ये है एवन ग्रीन, मतलब फौजी कलर का लोडर है, बहुत अच्छी है ये। अगर कोई लेने का विचार है तो मेरा नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसमें म्यूजिक सिस्टम भी है, और आपका हैंडल लॉक, रिमोट सेंसर लॉक भी मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, हम लोग बेसिक से सिटी लाइफ बेचते हैं जरूर, लेकिन क्या है, गाड़ी सबका सर्विस करते हैं। देखो, हमारे पास सुबह सुबह 4 गाड़ी आए, एक आया था अथर, ये आया था ईसा थी, और ये है ये शुभम, साफ कर रहे हैं गाड़ी, तो पूरा सर्विस हो रहा है, पहिया पहिया खोल के सर्विस हो रहा है। वरना 100 ये गाड़ी ये हो गया, इसका सर्विस ये हो गया, घंटा हो गया, 600 रुपया बिल हुआ, बंदा आया नहीं, अभी आएगा हो जाएगा। और एक गाड़ी से भी बना दिया, वो था पैंथर का, वो 5 लोडर है, ये भाई साहब गाड़ी सब बेचने वाला बेचते हैं, सर्विस का नाम पे 0, किसका पास मिस्त्री नहीं है, किसका मिस्त्री अभी चला गया, ये सब बहाना देते हैं। गाड़ी लेने के बाद बस सब कुछ भूल जाता है लोग, ठीक है। तो कस्टमर को ये हम ज़रूर सलाह देते हैं, भाई साहब ये काम जहाँ से आप गाड़ी लेना, पहले देखना सर्विस का कंडीशन क्या है। बेचने वाला बहुत कोई अच्छा सादा सीधा मीठा बात बोल के भेज देते, उसके बाद सर्विस का नाम बस का ही नहीं ख़त्म। तो आप लोग गाड़ी लेने के बाद इधर इधर भटकना पड़ता है, भाई ये कर दो ये दिक्कत हो जाता है। तो भाई जहाँ सर्विस अच्छा मिले, कोई भी कंपनी का गाड़ी हो, देखो चाहे सिटी लाइफ ले लो, कोई भी कंपनी गाड़ी ले लो, दिक्कत आता रहता है, ठीक है। लेकिन उसको सॉल्यूशन होना ज़रूरी है, भाई ये दिक्कत है इसको ठीक कर दिया एजेंसी वाले ने, बस इतना ही। और एक चीज़ है, महंगा वाला गाड़ी जो महंगा होता है ना गाड़ी, 5-10 हज़ार महंगा आता है, वो गाड़ी महंगा इसलिए होता है, उसमें पैर पार तो लगा रहता है, जो भी क्वालिटी का वो अच्छा क्वालिटी का होता है, इसलिए थोड़ा महंगा हो जाता है। तो महंगा चीज़ लेने का उसमें भी आपका फ़ायदा है, जल्दी ख़राब नहीं होता वो, उसमें भी टाइम लगता है ख़राब होने में। ये एक शोकर मिलता है, मतलब आगे का शोकर मिलता है, सेट दोनों पे जाता है, एक सेट सिंगल नहीं मिलता उसका। तो अच्छा वाला कंपनी नहीं लोगे तो करीब करीब 4 से 4,500 के आसपास आ जाएगा, देखने में सेम लगेगा, कंपनी अलग होगा, 2500 में आ जाएगा, तो 2500 तो 2000 की यहाँ पे फर्क हो गया। तो ऐसा कई चीज़ होता है, जो छोटी मोटी चीज़ वहाँ पे भी 100 रुपये किसी का बियरिंग, सेम बियरिंग दूसरा का बियरिंग देखो 250 रुपये में लगता है, 150 रुपये लगता है, इसका 100 रुपये में आ जाएगा। तो क्वालिटी मेंटेन करोगे जो भी गाड़ी में, उसका महंगा हो जाता है, तो जैसे जिसका पसंद हो ले सकता है। लेकिन भाई साहब सर्विस ज़रूरी होता है रिक्शा का, जहाँ सर्विस का सुविधा आपको अच्छा मिले, मैं प्रोवाइड करूँगा गाड़ी वहाँ से लेकर ना, कोई दिक्कत नहीं।